आइए आज आपको अपने साथ बीते हुए युगों के सफर पर ले चलूं, जो इस गौरव गाथा की साक्षी है। राजस्थान में मेवाड़ के मैदान को सींचने वाली गंभीरी नदी के किनारे बने चित्तौड़ के इस किले को कब और किसने बनवाया, इसकी कहानी इतिहास के अंधेरों में खोई हुई है। लेकिन जानकारों का कहना है कि इस किले को आज से 1500 साल पहले राजस्थान के मौर्य राजा चित्रांगद ने बनवाया था। महाराज चित्रांगद की जय हो। प्रणाम महाराज। आइए अमात्यवर, आइए। और आप भी महाबलाधिकृत रुद्रदत्त, हमने आपको यहाँ एक आवश्यक मंत्रणा के लिए बुलाया है। तो आज्ञा कीजिए महाराज। अमात्यवर, आप जानते ही हैं कि उत्तर में हूणों के आक्रमणों ने गुप्त साम्राज्य को छिन्न भिन्न कर दिया है। ऐसी स्थिति में हमने निर्णय किया है कि भविष्य के आक्रमणों से इस प्रदेश की रक्षा करने के लिए हम इस पहाड़ी पर एक दुर्ग का निर्माण करेंगे और उसी को अपनी राजधानी बनाएंगे। आपका यह निर्णय सुविचारित है महाराज। इस पहाड़ी से आसपास के सारे प्रदेश पर नियंत्रण रखा जा सकेगा। यहाँ इतनी भूमि है कि सेना के साथ साथ नागरिक भी रह सकेंगे। पानी की भी कोई कमी नहीं है और चारों ओर घने वन भी हैं। तो ठीक है अमात्यवर, आप तत्काल दुर्ग के निर्माण कार्य को आरंभ कराइए। दुर्ग की प्राचीर अभेद्य होनी चाहिए, यही हमारी राजधानी होगी और इस दुर्ग का नाम होगा चित्रकूट। दो सौ साल बीत गए, तभी राजस्थान के गहलोत वंश में एक ऐसे बालक का जन्म हुआ जो मौजूदा मेवाड़ की बुनियाद रखने वाला था। ये बालक ईडर के गहलोत राजा महेंद्र का पुत्र काल भोज था। गहलोत वंश को एक बार फिर विपदा का सामना करना पड़ा। ईडर के भीलों ने गहलोत राजा महेंद्र के खिलाफ विद्रोह कर दिया। महेंद्र की रानी को अपने 3 वर्ष के बालक काल भोज के साथ नागदा में शरण लेनी पड़ी, जहां ये बालक मंदिर के पुजारियों की गायें चराते हुए बड़ा हुआ। तभी एक दिन वन में गायें चराते हुए उसकी भेंट हारीत ऋषि से हुई। ओम नमः शिवाय। ओम नमः। कौन है? क्षमा करें महाराज, मैंने ध्यान नहीं दिया कि आप यहाँ तपस्या कर रहे हैं। कौन है तू दंड बालक जो इस पवित्र स्थान में बेरोक टोक घुसा रहा है? मेरा नाम कालभोज है स्वामी जी। मैं महाराज कुहिल के वंशधर महाराज महेंद्र का पुत्र हूँ। परंतु तू इस कुंज में कैसे आया? कई दिनों से ये धोरी गाय गोधूली के समय सूखे थन लेकर लौटती थी। सबको संदेह था कि इसका दूध मैं ही पी जाता हूँ। आज जब मैं इसके पीछे पीछे इस कुंज में आया तो देखा कि इसके थनों से दूध अपने आप झर रहा है, तभी आपने मुझे देख लिया। तू बड़ा भाग्यशाली है बालक। जहां तेरी गाय का दूध झर रहा था वो भगवान एकलिंग का पवित्र स्थान है। तुझ पर उनकी विशेष कृपा दिख रही है। कल से तू यहां आकर हमसे शस्त्र विद्या के साथ साथ शास्त्र विद्या भी ग्रहण कर। हम तुझे एकलिंग का दीवान घोषित करते। हारीत ऋषि की छत्र छाया में शिक्षा दीक्षा पूरी कर लेने के बाद कालभोज की किस्मत उसे चित्तौड़ ले गए, जहां चित्रांगद मोरी के वंशज राजा मान का राज था। राजा मान ने कालभोज को अपना सामंत बना लिया। इस बीच हिंदुस्तान पर अरब की ओर से हमले शुरू हो चुके थे। कालभोज ने अभूतपूर्व पराक्रम का प्रदर्शन करते हुए विदेशी सेनाओं को पीछे खदेड़ दिया। धीरे धीरे कालभोज की बढ़ती हुई लोकप्रियता ने अनेक सामंतों को उसके पक्ष में खड़ा कर दिया और सन 734 में इन सामंतों ने राजा मान की जगह
गाल बूझ बूझ चित्तौड़ की राजगद्दी पर बिठा दिया। एक लिंग के दीवान के साथ साथ काल भोज अब बप्पा रावल भी कहलाने लगा। हिंदू सूरज महाराज बप्पा रावल की जय। गुरु महाराज बप्पा रावल की जय। चक्रवर्ती महाराज बप्पा रावल की जय। बप्पा रावल ने अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार किया और मेवाड़ को हिंदुस्तान के नक्शे पर स्थापित कर दिया। आज तक बप्पा रावल का नाम समूचे राजपूताने में बड़े सम्मान से लिया जाता है। हालांकि बप्पा रावल ने विदेशी हमलावरों को मुंह तोड़ जवाब दिया था, लेकिन रास्ता खुल चुका था। मेवाड़ के राजा जान की बाजी लगाकर अपनी आन बान शान का झंडा बुलंद रखते रहे। बहादुरी और बलिदान की ऐसी ही एक कहानी आज भी लोगों की जबान पर है। ऐसा कौन होगा जिसने चित्तौड़ की रानी पद्मिनी का नाम न सुना हो? 13वीं सदी के आखिरी हिस्से में चित्तौड़ पर रावल रतन सिंह का राज था। रतन सिंह का शौर्य और स्वाभिमान देश भर में जितना प्रसिद्ध था, उतनी ही प्रसिद्ध थी उनकी रानी पद्मिनी की सुंदरता। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ को जीतने की योजना बनाई। बड़ा गुरूर है तुम्हारे रतन सिंह को रघुनाथ। मलिक कफू, चित्तौड़ के खिलाफ मुहिम की तैयारी कीजिए। हम रतन सिंह को उसकी सरकशी का सबक भी सिखाएंगे। गुजरात का रास्ता भी साफ हो जाएगा। एक तीर से कई शिकार होंगे। अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने चित्तौड़ पर चढ़ाई करके दुर्ग के गिर्द घेरा डाल दिया। सुल्तान ने रावल रतन सिंह को एक संदेश भेजा। हमें बताया गया है कि तुम सुल्तान अलाउद्दीन का कोई संदेश लाए हो। जी रावल साहब, हमारे सुल्तान को इस बात पर बेहद अफसोस है कि दोनों ही तरफ के सिपाही नाहक हलाक हो रहे हैं। इसलिए सिकंदर सानी आफताब जमा सुल्तान अलाउद्दीन ने पैगाम भेजा है कि वो अपने चंद अहलकारों के साथ बातचीत के लिए आपके किले में आने की ख्वाहिश रखते हैं। रावल रतन सिंह चाहते हैं, आइए दरवाजे के बाहर तक आकर हमें रुख्सत कीजिए। ये तो हमारा कर्तव्य है सुल्तान।
चलिए लीजिए, हम किले के बाहर तक आ गए हैं। आपका डेरा भी सामने है, अब हमें विदा दीजिए। हम विदा देने नहीं, विदा कराने आए हैं रावल रतन सिंह। सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो रावल साहब को और ले चलो हमारी छावनी में। कह गए हैं कि दुष्टों के साथ दुष्टता से ही काम लेना चाहिए। सुल्तान ने छल किया है तो हम भी छल करेंगे। उसे कहला दो कि रानी पद्मिनी उसके डेरे में आने को तैयार है। ये कैसे अनर्थ की बातें कर रही हैं आप? ठीक कह रही हूं। सुल्तान से कह दो कि रानी पद्मिनी की एक शर्त है कि वो अपने स्वामी से अंतिम भेंट करके ही उसके पास जाएंगी। उनके साथ उनकी सहेलियां और अन्नस्त्रियां भी रहेंगी पर्देदार पालकियों में। इन सब की पद मर्यादा का ध्यान रखा जाए। ये कैसा गोरख धंधा है, मुझे तो कुछ आ जाएगा। बादल, तुम महल में 800 डोलियां सजा। हर डोली के भीतर एक एक रण बांकुरा हो। कहारों की जगह भी शूरवीर जाएं। सुल्तान अंधा हो रहा है, इसी का लाभ उठाकर तुम। अलाउद्दीन की फौज रतन सिंह का पीछा करते करते किले के कोई रास्ता न देखकर रतन सिंह ने साका करने का फैसला किया। रानी पद्मिनी ने किले की सारी औरतों के साथ जौहर रचाया। रावल रतन सिंह और उनके रणबांकुरे युद्ध में खेत रहे। मेवाड़ के बाहर और भीतर अनेक घटनाएं घट रही थीं, जिनका असर चित्तौड़ की राजगद्दी पर बैठे राणाओं पर पड़ रहा था। सन 1433 में जब महाराणा कुंभा चित्तौड़ में मेवाड़ की राजगद्दी पर बैठे तो मालवा में सुल्तान महमूद खिलजी और गुजरात में बादशाह कुतुबुद्दीन शासन कर रहे थे। महाराणा कुंभा अपने समय के अत्यंत प्रतापी शासक थे। ऊपर मारा लाइट, वही हमको नहीं दिख रहा, वही कह रहा हूँ। राज्यों का सिरमौर बना दिया। गद्दी पर बैठते ही उन्हें सबसे पहले मालवा और गुजरात के सुल्तानों का सामना करना पड़ा, जिनकी निगाहें मेवाड़ पर लगी हुई थी। सन 1440 में राणा कुंभा ने दोनों सुल्तानों के दांत खट्टे कर दिए और सुल्तान महमूद खिलजी को बंदी बनाकर चित्तौड़ ले आए। इस विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया विजय स्तंभ आज भी राणा कुंभा की वीरता की याद दिलाता है। महाराणा कुंभा ने
चित्तौड़ के राजभवनों में अनेक नई इमारतें जोड़ी और विष्णु के वराह अवतार की प्रतिष्ठा में कुंभ श्याम मंदिर बनवाया। वो स्वयं शिल्प शास्त्र के जानकार थे और मेवाड़ के अन्य स्थानों में भी उन्होंने अनेक मंदिर और किले बनवाए। तलवार के धनी होने के साथ साथ महाराणा कुंभा साहित्य और संगीत में भी गहरी रुचि रखते थे। उन्होंने जयदेव की अमर कृति गीत गोविंद की टीका लिखी थी और अपने ग्रंथ संगीत राजवार्तिक में संगीत की राग रागिनियों का वर्णन किया था। ये राग हमें बहुत पसंद आया। इसका भी वर्णन हम अपने ग्रंथ संगीत राज में करें। जोहार अन्नदाता। आइए आइए वीरमदेव जी, पधारिए। महाराज, कई दिनों से आप एक पद दोहराते थे जो कोई पूरा नहीं कर पा रहा था। हाँ, वो काम धेनु तंडव करिए। ये मेरे एक संबंधी है महाराज, ये उसे पूरा करने का बीड़ा उठाना चाहते हैं। तो देर कैसी, जग धर पर जो वती बीठ नागोर धरंती, गायत्री संग्रहण देख मन माही डरंती। हो उन्हें देश निकाला दे दिया है, अगर आप प्रसन्न हुए हैं तो अपना आदेश वापस ले लें। ठीक है, जाओ अपने भाई बंधुओं से कह दो कि वो फिर मेवाड़ में बस सकते हैं। राणा कुंभा के बाद चित्तौड़ को एक बार फिर अनिश्चितता के दौर से गुजरना पड़ा। राजगद्दी के लिए उनके वंशजों के बीच खींचातानी होती रही। अंततः राणा कुंभा का एक ऐसा वंशज चित्तौड़ की राजगद्दी पर बैठा जो न केवल मेवाड़ के महाराणाओं में सबसे प्रतापी और प्रसिद्ध होने वाला था, बल्कि उत्तर भारत के सभी राजाओं और सुल्तानों में भी अपने बाहुबल का सिक्का जमाने वाला था। इस प्रतापी राजेश्वर का नाम था संग्राम सिंह, जिसे दुनिया राणा सांगा के नाम से जानती है। मेवाड़ की गद्दी पर बैठते ही राणा सांगा ने अपने राज्य को संगठित करना शुरू कर दिया। तभी हिंदुस्तान के इतिहास ने एक बार फिर करवट ली। इस बार का परिवर्तन युगांतरकारी साबित होने वाला था। सन 1526 में सुदूर पानीपत के मैदान से एक ऐसी खबर राणा सांगा के दरबार में पहुंची जिससे आने वाले तूफान का पता चलता था। नवाब हसन खां मेवाती, ये तो सचमुच अचरज में डालने वाली खबर है। खबर हैरत अंगेज ही नहीं है राणा साहब, परेशान कर देने वाली भी है। राणा साहब, किसे अंदाजा था कि इतनी बड़ी बादशाही फौज को पानीपत के मैदान में बाबर की छोटी सी फौज से शिकस्त खानी पड़ेगी। बादशाह इब्राहिम लोदी कहाँ है? वो मैदानी जंग में शहीद हुए, इसीलिए तो बाबर के हौसले इतने बुलंद हैं। इन घटनाओं के पीछे हमें भारी संकट की आहट सुनाई दे रही है नवाब साहब। यही वजह है कि सभी अफगान सुल्तानों ने आपके हाथ मजबूत करने का फैसला किया है और मुझे आपके पास भेजा है। ठीक है, हमें स्वीकार है। जैसे हम बादशाह इब्राहिम लोदी से नहीं डरे, वैसे ही बाबर से भी नहीं डरेंगे। नतीजा साफ था। पानीपत की लड़ाई के 11 महीने बाद खनवा के दिखलाई और मैदान को खून से रंग दिया, मगर तभी राणा सांगा बुरी तरह घायल होकर बेहोश हो गए। उनके सरदार उन्हें उठाकर मैदान के बाहर ले गए। इसी समय रायसेन के राजा तंवर सरहदी जा मिला और इस तरह बाबर की फतह हुई। लड़ाई के बारे में बाबर ने
अपनी आत्मकथा में लिखा। लड़ाई ऐसी हुई कि कौन हारा और कौन जीता, किसने वार किया और किसको लगा, इसकी पहचान जाती रही। मैंने अपना शहीद हो जिन दिनों मेवाड़ में तलवारों की झंकार और वीरों की हुंकार सुनाई देती थी, उन्हीं दिनों लड़ाई और मार काट के कोलाहल को चीरती हुई भक्ति और प्रेम की एक ऐसी आवाज बुलंद हुई जिसके स्वर आज भी भारत के कोने कोने में गूंज रहे हैं। मंदिर में जाएगी ना। ये आवाज थी मेड़ता की राजकुमारी मीरा की, जिनका विवाह राणा सांगा के बड़े बेटे भोजराज से हुआ था। कर अपने गिरधर गोपाल के गुण गाने लगी। Yeah.
समय समय पर साधु सत्संग में जाने की अनुमति भी दे दी, लेकिन मीरा के विवाह के 10 वर्षों के अंदर ही उनके पति भोजराज और ससुर राणा सांगा का देहांत हो गया। मीरा के देवर विक्रमादित्य और ननद उदा ने लोकलाज का वास्ता देकर उन्हें दुख देना शुरू कर दिया। भाभी, तुम्हें लोकलाज का कुछ भी ध्यान नहीं? ये सूर्यवंशी सिसोदियों का कुल है, पता भी है कैसी कैसी बातें हो रही हैं तुम्हें लेकर। साधुओं की संगत कब से अधर्म हो गई जीजी? मीरा मीरा, तू अब विधवा है, तुझे पराये पुरुषों के बीच बैठकर ये सब गाना वाना शोभा नहीं देता। जब तक मेरे गिरिधर गोपाल है, मीरा विधवा कैसे हो सकती है? जब बीरमदेव को मीरा पर हो रहे अत्याचारों की खबर मिली तो उन्होंने मीरा को वापस मेड़ता बुला लिया। लेकिन मीरा का मन महलों से उजड़ चुका था। अंत में उन्होंने मेड़ता के महल भी त्याग दिए और वृंदावन होते हुए द्वारका की राह ली, जैसा कि उनके गिरधर गोपाल ने किया था। मेरो मन लाग्यो हर के नाम मेवाड़ में भारी उथल पुथल का दौर शुरू हो चुका था। राणा सांगा के बाद उनके मंझली बेटे विक्रमादित्य ने गद्दी संभाली, लेकिन राणा विक्रमादित्य को राजकाज की समझ नहीं थी। सरदारों में असंतोष बढ़ने लगा। राणा सांगा के तीसरे बेटे अभी छोटे थे, इसी का फायदा उठाकर राणा सांगा के भतीजे बनवीर ने गद्दी हथियाने के लिए साजिश रची। लेकिन मेवाड़ में त्याग और बलिदान की कमी न थी, कुर्बानी देने वालों में नारियां भी पीछे। अरे ये शोर कैसा है बारिश? गजब हो गया बन्ना था, गजब हो गया। बनवीर ने हुकुम की हत्या कर दी। हुकुम की? हाँ, राणा जी की, अपने राणा विक्रमाजीत की। हाँ, अब इन्हें जल्दी से लेकर भाग, सुनते नहीं रावला से कैसे चीखे उठ रही हैं। अच्छा इधर आ, हाँ, मेरी मदद कर। हाँ, ऊपर से पत्तलों से ढक देती हूँ। कुंवर जी की जगह अपने बेटे को लेटा कर चादर ओढ़ा देती हूँ। बनवीर को क्या पता चलेगा? रावला की हड़बांग का फायदा उठाकर तू ये टोकरा लेकर किले के बाहर निकल जा, मैं तुझे वहीं मिलूंगी। कहाँ है छोटा कुमार? लो फिर, अपने रास्ते का रहा सहा कांटा भी साफ कर देता। लो
हो गया काम तमाम। अब मुझे निष्कंटक राज करने से कौन रोक सकता है? धन्य है बन्नाधार। राजा भगवान दास, हमने मालवा के सरकश सुल्तान बाज बहादुर को सबक सिखाने के लिए दिल्ली से कूच किया था और यहां धौलपुर में मुकाम किया है, लेकिन अब हमें अपने इरादों में तब्दीली करनी होगी। हम मालवा से पहले चित्तौड़ को फतह करेंगे। वे किस कारण से ले लाही? हमें खबर मिली है कि बाज बहादुर ने मालवा से भागकर चित्तौड़ के राणा उदय सिंह के यहां पनाह ली। लगता है मेवाड़ के राणा को अपनी ऊंची पहाड़ियों और मजबूत किलों पर बड़ा गुरूर है। उसे सबक सिखाना ही होगा। चित्तौड़ को अपनी ताबेदारी में लिए बगैर हमारी बादशाहत मुकम्मल ना होगी। इधर चित्तौड़ में अकबर के इरादे की खबर पाकर राणा उदय सिंह ने अपने सभी सरदारों और राजकुमारों से सलाह की। राव जयमल, कौन शक्ति सिंह ने हमें बता दिया है कि बादशाह अकबर का इरादा हमें अपने दरबार में आने के लिए विवश करना है, लेकिन हम अपनी आन को मुगल बादशाह के हाथों गिरवी रखने की बजाय कट मरना पसंद करेंगे। पृथ्वीनाथ, हम सब भी अपने रक्त की अंतिम बूंद तक आपके साथ हैं। राव पत्ता जगावत, प्रश्न ये है कि दिल्ली की बादशाही फौज से टक्कर कैसे ली जाए? अन्नदाता, खबर है कि बादशाह अकबर खुद अपनी फौज के साथ है और मांडवगढ़ पहुंच चुका है। राणा जी ज्ञानियों ने कहा है कि राज्य का बल है खजाना और राजपूत भी। गुजराती बादशाहों के हमलों से खजाना भी कट गया है और राणा बांकुरे भी कम हो गए। आप कहना क्या चाहते हैं? यही राणा जी कि बादशाह अकबर से सीधे मुकाबले में बर्बादी के सिवा और कुछ हासिल नहीं होगा। फिर पृथ्वीनाथ रहकर बादशाह का सामना करें और आप महाराज कुमार और रणवास समेत पहाड़ों में चले जाएं। इसी रणनीति के अनुसार राणा उदय सिंह अपने रनिवास और राजकुमारों के साथ मेवाड़ की दक्षिणी पहाड़ियों में चले गए। किले की सुरक्षा का भार साईंदार वीर राजपूत भी किले के भीतर मौजूद थे। उधर अकबर ने 23 अक्टूबर सन 1567 को चित्तौड़ से दूर नगरी में डेरा डाला और चित्तौड़ के मुहासरे की तैयारियां शुरू की। मोर्चा अगर वो किले की तरफ से आने वाली गोलियों और तीरों की मार से राजपूत रणबांकुरों ने अकबर के सैनिकों से जमकर मुकाबला किया। हमला रोक दिया गया और रात भर में किले की दीवार फिर से खड़ी कर दी गई। लेकिन एक दिन किले में खाने पीने का सामान खत्म हो गया। साईदास जी, किले में अब कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं बचा है। भूख से मरने से तो लड़ते हुए मरना बेहतर है जयमल। मेरे विचार में अब हम सबको जौहर और साका के लिए तैयार हो जाना चाहिए। मेवाड़ के रणबांकुरों ने सदा की तरह आखिरी संघर्ष की तैयारी की, जिसका अंदाजा बादशाह अकबर को भी हो गया। क्यों शुजात खान, किले के अंदर ये कैसी रोशनी हो रही है? हुजूर, ये लपटे जौहर। जौहर? जब राजपूत मरने मारने का पक्का इरादा कर लेते हैं तो औरतों और बच्चों को आग के हवाले करके केसरिया बाना पहन लड़ाई में टूट पड़ते हैं। सुबह होते ही किले के दरवाजे खोल दिए गए और राजपूतों ने अकबर की फौज पर हल्ला बोल दिया।
मेवाड़ियों पर। हाथी की सूंड में दुधारी खांडे बांधकर लड़ाओ। अजमत खां, अरे सैनिक है जंग के तू, एक एक आदमी 50-50 पर भारी पड़ रहा है। आखिरकार सब रणबांकुरे लड़ते लड़ते मौत के घाट उतर गए और 25 फरवरी 1568 को किले पर अकबर का कब्जा हो गया। वहां चारों तरफ शमशान का सदृश था। मरे हुए सैनिक और जौहर की चिताओं की राख सब जगह बिखरी हुई थी। किले को जीतने में अकबर को 4 महीने लग गए थे। खुदा के फजल से चित्तौड़ पर हमने फतेह हासिल कर ली है ख्वाजा अब्दुल मजीद आसिफ खान, आप यहीं ठहर कर किले का बंदोबस्त कीजिए। माएं बनवाकर आगरा के किले के दरवाजे पर लगवाई थी, लेकिन चित्तौड़ उजड़ गया। अब वो जगह जो वीरों की हुंकार, तलवारों की खनकार और रानियों की बाइयों की झनकार से गूंजती थी, अपनी खामोशी से बीते हुए युग की कहानी बयान करती है। चित्तौड़ एक महान दुर्ग, एक भव्य राजधानी ही नहीं, हिंदुस्तान की आत्मा भी थी। वो आत्मा जो पराजित होकर भी कभी नहीं मरती, अपनी राख से बार बार उठ खड़ी होती है, चोला बदलकर नए नए रूपों में प्रकट होती रहती है। चित्तौड़ उसी आत्मा का एक चोला था और सदा सदा